बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं थोड़ा सा देखो कमी मेरे को क्या लगी है अभी तक यहाँ पर। एक अगर ये ना मैं इस चीज़ को भी अगर भर दिया जाता ना फेयरिंग से, गाइस बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कमाल की गाड़ी हो जाने वाली थी। और क्योंकि आज इतना सारा क्राउड वो भी हमें देखने के लिए, जस्ट किडिंग गाइस। तो जी ये है अपनी KTM RC, एक बार लुक चेक मारो गाइस, क्या ही खतरनाक वाला लुक है, एकदम किलर वाला, एकदम सेक्सी लुक। लुक इज So what's up people, welcome back to the channel, welcome back to the new fresh video guys। तो जी शुरुआत होती है ऐसे जाम के साथ, सो डिफरेंट जगह से आज अपना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, वो भी जाम में गाइज। आज थोड़ी सी अपनी को रील्स वगैरह बनानी थी अपनी बाइक की, तो जी आज जैसे ही यहाँ से हम निकले हैं तो अपने को इतना ज़्यादा जाम देखने को मिल गया। और जाम देखने को क्या मिला, अच्छा खासा जाम मिल गया। तो सब जगह इतनी भीड़ भीड़ भीड़, और थोड़ा सा रास्ता खुलेगा तो आगे करेंगे और ज़्यादा बातें KTM RC 200 के बारे में गाइस। कुल मिला के बाइक अभी तक जितना मैंने चला लिया है बाइक को, यानी कि 200 किलोमीटर मेरे अब पूरे होने वाले हैं। तो अभी जो है जो मेरे बाइक के किलोमीटर्स हो चुके हैं वो 193 किलोमीटर्स टोटल मैंने अब तक गाड़ी को चला दिया है गाइस। और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, मतलब हर चीज़ बहुत बढ़िया मिल रही है, मतलब चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉर्निंग से, चाहे वो हैंडलिंग से हो, चाहे वो राइडिंग पोस्चर से हो, तो सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त अभी तक देखने को मिल रही है गाइस। तो 200 सीसी की बाइक में ये सब चीज़ें, बस थोड़ा सा इसमें देखो कमी ये है कि इतना पैसा लगने के बाद गाइस, पहले रुको हम कर लेते हैं ट्रैफिक जैम में से पार, क्योंकि आज इतना सारा क्राउड वो भी हमें देखने के लिए, जस्ट किडिंग गाइस। यहाँ पे कोई पेपर वगैरह था तो उसकी ख़त्म हुआ है, तो सारे लोग अपने अपने घर निकल रहे हैं। तो जैसे कोई भी गवर्नमेंट की जो पेपर निकलता ना, तो ऐसे ही अलग अलग जगह सेंटर पड़ता है, तो उसके लिए ये लोग कहीं कहीं से आते हैं, मतलब दूर दूर से आते हैं। इतना पैसा लेने के बाद KTM इसमें थोड़ा सा ना अगर TFT डिस्प्ले दे देती और क्विक शिफ्टर दे देती, थोड़े से मतलब जो अब जो ट्रेंडिंग जो चीज़ें चल रही है ना बाइकों में, यहाँ तक कि यामाहा R15 V4 में गाइज, मतलब वो क्विक शिफ्टर भी दे रहे हैं, प्लस टी जो कलर डिस्प्ले है ना गाइज वो तक दे रहे हैं। तो यामाहा इन मामलों में ना बेस्ट है गाइज, बहुत ही बढ़िया, मतलब हर चीज़ में आपको बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। और क्या बहुत ही ज़्यादा जाम लग रहा है, तो हर जगह जहाँ पे भी जा रहे हैं गाइज वहाँ पे जाम ही जाम दिखाई दे रहा है। तो जी मैं बात कर रहा था कि अपना KTM में ना ये वाली चीज़ देनी बहुत ही ज़रूरी हो गई है KTM को। 200 सीसी की चलो बाइक दे तो रहे हैं, लेकिन उस बाइक में ना गाइस अगर कलर डिस्प्ले अगर दे देते हैं ना भाई, बहुत ज़बरदस्त हो जाने वाली है। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये चीज़ इन्होंने नहीं दी है, यहाँ तक कि अगर ड्यूक 200 भी अगर हम देखते हैं ना जो नए मॉडल वाली आई है, तो उसमें भी इन्होंने जो सिंपल वाला जो TFT डिस्प्ले है ना वो दे रखी है गाइस। मतलब यार आप इतने पैसे चार्ज कर रहे हो तो थोड़ा सा तो आप अपग्रेड कर सकते हो अपनी। अजीब सा लगता है कि इतना ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप प्रोडक्ट में ये वाली चीज़ नहीं डाल रहे हो, तो ये वाली चीज़ डालना थोड़ा सा मस्ट हो जाता है भैया। ये चीज़ डालनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस देखो 2-2.5 लाख रुपये कोई कम अमाउंट नहीं होता है। जब यामाहा अपने प्रोडक्ट में, मतलब जो कि इससे थोड़ा सा कम में ही वो बाइक आ जाती है, यामाहा R15 V4 और यामा R1M, तो उनमें भी कलर डिस्प्ले दे रखा है गाइस, मतलब जो इतने रेट की सेगमेंट की जो गाड़ी आ रही है, तो ये वाली चीज़ तो देखो इसमें होनी चाहिए। जब इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो आप, तो ये चीज़ें तो आपको करना मस्ट हो जाता है। अब कंपनी के क्या चोचलेबाजी हैं तो ये तो देखो अपने को बिल्कुल भी नहीं पता है।
और अपने को क्या है, देखो गाइस अपने को इन्फॉर्मेशन देनी है, सारी चीज़ें बतानी है कि भाई ये वाली चीज़ें ठीक हैं, ये वाली चीज़ें गलत हैं। तो कंपनी अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रही है लेकिन प्रोडक्ट में वो वाली चीज़ें नहीं दे रही है, तो बड़ा ही अलग नज़रिया हो जाता है। जैसे कि अभी अब मेरे पास, मैंने जैसे ये वाली गाड़ी ली है 200 RC 200, तो इसमें जो कि 390 जो आ रहा है, 390 में गाइस आपको एग्जॉस्ट मिल रहा है और इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट मिल रहा है। मतलब ये दोनों में ना कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ हो गई ना, मतलब आप 390 में ये वाली चीज़ दे रहे हो और उसमें एग्जॉस्ट दे रहे हो, जबकि सब चीज़ें सेम ही हैं, बस सीसी का फ़र्क है। तो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जो बनावट है उसकी, तो वो सब चीज़ें सेम ही है ना। तो इन चीज़ों में अगर आप थोड़ा सा अगर एग्री करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वाली चीज़ ऐसा क्यों है। अगर इसमें भी एग्जॉस्ट दे दिया जाए तो कितना ज़बरदस्त हो जाने वाली है चीज़ें। बाकी देखो गाड़ी में कोई भी ऐसी मेरे को लैग अभी तक नहीं लगा है ये केस में, ये वाली कमी है या ये है, लेकिन बस थोड़ी जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा चीज़ों को अच्छा बना देती है, तो बस वो वाली चीज़ें होनी चाहिए। अगर वो हो जाती ना तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। और कंपनी को इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा देखो फोकस तो करना पड़ेगा। जब आप कस्टमर से इतना पैसा ले रहे हो तो उस पैसों का अच्छा खासा यूटिलाइज भी देना मस्ट है गाइस। तो अपने को तो बस यही वाली चीज़ की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लगी है बस इसमें, और बाकी और कोई मेरे को इन चीज़ों में शिकायत नहीं है। तो अगर कलर डिस्प्ले थोड़ा सा आ जाता ना, मज़ा आ जाने वाला था। और थोड़ा सा एग्जॉस्ट अगर मिल जाता तो अभी रोकते हैं अपनी वही पुरानी वाली जगह पे, तो बाइक को एक बार आपको लुक चेक करवाते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आपको बाइक का लुक चेक नहीं करवाया है, एक बार आपको लुक भी चेक कराएंगे गाइस। तो ये अपनी वो पुरानी जगह है जहाँ पे बाइकों का रिव्यू वगैरह हम देते हैं, और एवेंजर का भी यहीं पर दिया था हमने जब कंपेरिजन किया था, तो 160 और 180 में कंपेरिजन किया था गाइस, वो भी अपने यहीं पर किया था। तो जी ये है अपनी KTM RC, एक बार लुक चेक मारो गाइस, क्या ही खतरनाक वाला लुक है, एकदम किलर वाला, एकदम सेक्सी लुक, लुक इसका बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं थोड़ा सा देखो कमी मेरे को क्या लगी है अभी तक यहाँ पर, एक अगर क्या ना मैं इस चीज़ को भी अगर भर दिया जाता ना फेयरिंग से गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत कमाल की गाड़ी हो जाने वाली थी। लेकिन ओवरऑल लुक बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। तो सबसे मेन इसमें मेरे को पता क्या चीज़ लगती है बढ़िया, जो इसके ये वाले जो दो DRL है ना, ये वाले जो कि ये वाले DRL है ना गाइस, ये बहुत ही कमाल के लगते हैं। तो अभी भी आपको दिख रहे होंगे, तो बहुत बढ़िया, मतलब आगे से जो लुक जो दे रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा बल्की, एकदम मतलब अच्छा खासा स्पोर्ट्स बाइक का जो लुक दे देती है ना गाड़ी, वो है प्रीमियम सा लुक आता है देखने में। और टैंक बहुत बढ़िया है, टैंक आपको 13.5 लीटर का टैंक मिलता है, तो सफिशिएंट है एक लॉन्ग राइड के मामले में। सीट के बारे में अगर मैं बताऊं तो सीट काफ़ी अच्छा, मतलब पुशिंग दे रखी है, तो आप कम से कम कंटिन्यू, आप ये मान लीजिए कि 200-250 किलोमीटर आप कंटिन्यू इस बाइक को चला सकते हो। और पीछे भी कंफर्टेबल सीट है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आता है। तो ये मेरा भाई है जो कि मेरे साथ अभी बैठ के आया है, तो भाई आगे वाली सीट तो चलो ठीक है, लेकिन जो ये पीछे वाली सीट है तो इस पर कैसा महसूस हुआ? नहीं मतलब कंफर्टेबल लगा, कि मतलब ये है कि अगर हम लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो इस पर थकान होने वाली है या नहीं होने वाली है? होएगी थकान, देखो थकान तो होएगी क्योंकि RS पे भी थकान हुई थी, लेकिन ये है कि इस पर बंदा आराम से बैठ सकता है क्योंकि कुशन जो है इसका पीछे का बहुत बढ़िया है, और बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल बहुत बढ़िया हैं। और वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस प्यारी सी चीज़ को देखने के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।